आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। डायबिटीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया भर में इस दिन को जो है मनाया जाता है, और भारत में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज भारत में हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं कि आपको डायबिटीज़ से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मधुमेह क्या होता है और किन हालातों में आपको ये समस्या जो है वो हो सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरीश जुड़ गए हैं मैक्स हेल्थ केयर साकेत से। डॉक्टर अमरीश, बहुत स्वागत है आपका। डायबिटीज़ को लेकर शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि कितनी तरह की डायबिटीज़ होती हैं, तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप यहीं से समझाइए लोगों को कि अनुवांशिक भी होती है और आपकी जिस तरह का रहन सहन है उस वजह से भी आपको हो सकती है, ये किस तरह से अलग अलग इनको समझा जाता है। अगर एक हम ब्रॉड तरीके से देखें तो दो प्रकार की डायबिटीज होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि इंसुलिन की मात्रा शरीर में एकदम कम हो जाती है। अधिकतर ये बच्चों में होती है, लेकिन एडल्ट्स में भी हो सकती है, और इसके लिए शुरू से ट्रीटमेंट इंसुलिन से ही करना पड़ता है। इसको पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता था, अब टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। दूसरी प्रकार की डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसकी हम अधिक चर्चा करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमन वेराइटी ऑफ डायबिटीज जो इतना बढ़ गई है इंडिया में, विशेषकर शहरों में, वो टाइप 2 डायबिटीज है। उसका एज ग्रुप एडल्ट्स में होता है यूजुअली, और अक्सर 30-40 एज ग्रुप पे ज्यादा होता है, लेकिन आजकल हम उसको भी यंगर एज ग्रुप में, 20 के एज ग्रुप में और टीनेजर्स में भी देख रहे हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज का इंक्रीज जो है ये दो चीजों से लिंक्ड है, क्योंकि इसके कारण ब्रॉडली जैसे आपने जिक्र किया दो होते हैं। एक तो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिसके परिवार में डायबिटीज है उसमें डायबिटीज चलती रहती है, ये वंशों में चलती जाती है किसी भी उसमें। दूसरा, अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जीवन शैली ठीक नहीं है, अगर हमारा खान पान सही नहीं है, वजन हमारा बढ़ रहा है, व्यायाम हम करते नहीं है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर हुए। तो जीन्स हमें प्रीडिस्पोज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको फाइनल रूप देते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही टाइप 2 डायबिटीज होती है। अगर पहली डायबिटीज की हम यहां पर बात करें डॉक्टर अमरीश, क्योंकि अनुवांशिक अगर ये है बीमारी, तो ये जरूरी है कि अगर आपके माता पिता को, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपको होनी ही है। अगर ऐसा है तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आपके माता पिता दोनों को डायबिटीज है तो डायबिटीज से बचना थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी एक पेरेंट को डायबिटीज है, माँ या बाप को, तो उसमें ये संभावना है कि आप डायबिटीज से अवॉइड भी कर सके और बहुत डिले तो कर ही सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटली अवॉइड ना भी हो, लेकिन अगर आप डायबिटीज के ऑनसेट को डिले कर दें, डायबिटीज की शुरुआत को 10-15 वर्ष तक पोस्टपोन कर दें, तो वो भी बहुत बड़ा फायदा है। ये बिल्कुल संभव है। अगर आप अपनी जीवन शैली, दिनचर्या सही रखेंगे, विशेषकर अगर अपना वेट, अपना वजन अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, तो आप टाइप 2 डायबिटीज को बहुत बहुत डिले कर सकते हैं, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष भी, और कभी कभी अवॉइड भी कर सकते हैं। ये डिस्पाइट हैविंग फैमिली हिस्ट्री, अनुवांशिक होने के बावजूद भी अगर आप ये प्रिकॉशन लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम बोलते हैं, अगर जमीन उपजाऊ है, माने आपकी जमीन उपजाऊ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन उसमें अगर बीज हम डालेंगे नहीं तो तब तक कैसे वो ग्रो करेगा। तो इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब डायबिटीज होती है। तो आप अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है, तभी भी आप उसको बहुत दिन तक डिले या अवॉइड कर सकते हैं सही जीवन शैली अपना कर। और जिनकी जीवन शैली सही नहीं है, अगर कहें जो जिनकी ऑफिस जॉब है, बैठने का ही काम ज़्यादा होता है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अब तो एक रिपोर्ट में डॉक्टर साहब पढ़ा था कि अगर पॉल्यूशन में आप ज़्यादा रहते हैं तब भी आपको खतरा जो है वो टाइप 2 का बन जाता है डायबिटीज़ का, तो वो लोग क्या करें? देखिए, कुछ चीज़ें तो शायद हमेशा अपने हाथ में नहीं होती। एयर पॉल्यूशन शायद एक आम नागरिक के हाथ में इतना नहीं है, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज तो है, और वजन बढ़ने का कोई कोई एक्चुअली एक्सक्यूज नहीं है। कायदे में हम कोई भी काम करते हो, हम लोग का काम भी दिन भर बैठने का होता है कई बार, पर हमें अपना व्यायाम रेगुलर रखना चाहिए। 30-40 मिनट्स डेली, हमें 30-40 मिनट रोज,
कुछ न कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन, 2 दिन प्रेफरेबली, थोड़े वेट्स करने चाहिए और थोड़ा योग का भी प्रयोग करना चाहिए। योग योग जो है बहुत उपयोगी है इसमें, तो अनुलोम विलोम या और चीजें करेंगे तो आपका शुगर पे भी लाभ होगा और साथ में आपकी लंग्स भी ठीक रहेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। खान पान में हमारे बहुत बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, जो सफेद आटा, सफेद चावल, उसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। हर चीज हम लोग की, सारे स्नैक, सारा बेसिक स्टेपल जो है वो सफेद महीन आटा है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। गांव में जैसे लोग 20 साल पहले खाते थे जिसमें चोकर मिला हुआ आटा होता था, या आजकल मिलेट्स का इतना उपयोग है, या अगर आप किनुआ पसंद करते हैं, तो इस तरह की चीजों से अब सरकार भी मिलेट्स को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो जिनमें हाई फाइबर ग्रेन्स हैं उनका प्रयोग करें, ना कि मैदा टाइप चीजों से, नान और रोटी और या सफेद चावल तो हाई जैसे, कार्ब वो भी से वैसे ही है। हाई फाइबर वाले खाने पर आप जो है वो हाई ध्यान फाइबर दीजिए। खाने पे ध्यान एक और दें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और है डॉक्टर साहब, ये पूछा भी था एक कलीग ने हमारे कि जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है वो क्या होती है, जिनको ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? प्री डायबिटीज एक स्थिति है जब आपकी शुगर फास्टिंग 100 से ऊपर और आपसे आपकी 2 घंटे ग्लूकोज के बाद वाली 140 के ऊपर, अगर ऐसी रहती है तो प्री डायबिटीज है और आप क्लियर कट डायबिटीज में नहीं गए हैं, राइट? 100 और 101 और 126 के बीच में, और उधर 140 से 199 के बीच में अगर यहाँ है तो आप प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज माने आपकी टेंडेंसी डायबिटीज को जल्दी से होने की है, इसलिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के उपाय और शिकली करने चाहिए। घूम फिर के बात वही आती है हमारे लाइफस्टाइल पे। दवाइयां प्री डायबिटीज में अमूमन नहीं इस्तेमाल की जाती, लेकिन प्री डायबिटिक जोन में वजन की इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि हम डायबिटीज से कैसे बचें, तो अपना वजन नहीं बढ़ने दो। अगर शरीर में हमारे फैट कम रहेगा तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं। सो प्री डायबिटीज एक, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं, वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां अगर आप उस समय कॉशस हो जाएं तो अपने आप को नॉन प्री डायबिटिक जोन में भी ला सकते हैं, और अगर आप केयरलेस रहेंगे तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज की तरफ अग्रसर आप हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं जिनका वजन कम है उनमें खतरा कम होता है? बिल्कुल, जिनका वजन कम है उनका खतरा बहुत कम है। ये कहते हैं कि अगर सारा एक्सेस फैट वाले लोग, अगर सब एक एक काल्पनिक वो है कि अगर सबका एक्सेस फैट ठीक हो जाए तो टाइप 2 डायबिटीज विश्व से बहुत कम हो जाए, खत्म ही हो जाएगी, करीब 10% से भी कम जी, रह जाएगी। पर चलिए तो वो कहना एहतियात रखिए आसान है, तो बेहतर इंडिया। है। जी, एहतियात रखिए तो बेहतर है, खाने पीने पर आप ध्यान दीजिए और मीठा खाने से ज़्यादा मीठी बातों पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।